सब्सक्राइब करें नीसी साइड्स किचन को और बेल आइकॉन को दबाएं नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बने का गोश्त। उबले हुए आलू, कटा हुआ हरा धनिया, कटा हुआ पुदीना, एक अंडा, गरम मसाला, दो नींबू, हरी मिर्च पेस्ट, अदरक और लहसुन पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक। आप सबसे पहले गोश्त को उबाल लियो। नमक स्वाद अनुसार डालिए। अदरक लहसुन पेस्ट डालिए। हरी मिर्च पेस्ट डालिए और गरम मसाला डालिए। गोश्त को 4 से 5 बार सीटी बजने दो। गोश्त अब उबल गया है। अब मिक्सर में उबले हुए गोश्त को पीस लें। अब आलू को मसले और पिसे गोश्त से मिला ले। अब कटा हुआ हरा धनिया, कटा हुआ पुदीना और नींबू डाल दे। अब इसे अच्छी तरह मिलाएं। अब मिश्रण के छोटे छोटे गोल आकार के टुकड़े बनाएं। इस तरह के आकार दें। अब इसे तलें। एक पैन में तेल गरम करें। अब इसे फेटे हुए अंडे की एक परत के साथ कवर करें और इसे तलें। इसे तलें जब तक ये सुनहरे भूरे रंग का न हो जाए। आलू रोटी कबाब खाने के लिए तैयार है। टमाटर केचप या हरी चटनी के साथ आनंद लें। इसे रमजान में इफ्तार के दौरान और अन्य ओकेजंस पर पकाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में एक्सपीरियंस शेयर करें।